नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आइए, आज छोटा भाई मेरा आया है तो इससे जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुकुल में पढ़ना और बाहर पढ़ने में इसे विशेष अंतर क्या महसूस हुआ आप? बाहर की शिक्षा में और गुरुकुल की शिक्षा में क्या लगा, क्या भेद लगा दोनों में, दोनों की व्यवस्था पर थोड़ा सा आजकल के युवाओं को, आजकल के परिवारों को जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, गुरुकुल अच्छा है या फिर प्राइवेट शिक्षा या फिर सरकारी शिक्षा है? इन तीनों में क्या लगा अब तक, क्या समझ में आया? जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम कमलेश पांडे। मैं सन 2019 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत पकड़ी ग्राम महर्षि सदगुरु सदाफल देव आश्रम में मेरा एडमिशन हुआ। गुरुकुल का नाम है सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक गुरुकुलम। स्थान में मेरा नामांकन हुआ। जब मैं गुरुकुल में प्रवेश लिया तो हमारे अंदर एक आभास हुआ। मैं तो घर परिवार के साथ रहता था, माता पिताजी के साथ रहता था, तो घर परिवार में जब रहता था तो मुझे माता पिता का उतना ख्याल नहीं रहता था, क्योंकि माता पिता साथ में रहते थे और मुझे हर खुशी मिलती थी। जैसे माता पिता के जैसे दूर हुआ माता पिता से जैसे हम दूर हुए, मुझे एक आभास हुआ कि मतलब कि ये जीवन है क्या, कैसे जीवन जीना है। तो ये जैसे कि हमारे बड़े भैया शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे थे, तो जब मैं अपने गांव में जब पढ़ता था सरकारी स्कूल में आज से 5 साल पूर्व, तो हमारी शिक्षा उस समय एकदम न्यून थी। मुझे लगता था कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा, किसी प्रकार की मेरी प्रगति नहीं होती थी। आज हमारा यह जो मैं गुरुकुल में जो हम गए उसका माध्यम हमारे बड़े भैया ही हैं, इन्हीं के बदौलत में सदगुरु सदाफल देव आप्त वैदिक गुरुकुल में मेरा नामांकन हुआ। वहाँ पर मैं शिक्षा प्राप्त किया और गुरु के सानिध्य में रह करके मैं जब पढ़ा तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिलती थी, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती थी। जब मुझे मंत्र पढ़ाया जाता था तो मैं, और उस समय साधना भी सिखाया जाता था, जब साधना करता था, साधना करने के बाद जब मैं मंत्र को पढ़ता था तो हमारी जो मन की स्थिति है वो तीव्र हो जाती थी, तेज हो जाती थी। उस समय मंत्र को एकदम आसान से याद कर लेता था। तो हमारी जो मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, बच्चे को अगर संस्कार देना है शिक्षा के क्षेत्र में और उसका आचरण व्यवहार एकदम शुद्ध हो, तो आप गुरुकुल में बच्चे को डालिए, जिससे आपके बच्चे का आध्यात्मिक कल्याण हो सके, उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो जब मैं घर पर रहता था तो मुझे कोई इज्जत और सम्मान नहीं मिलता था और किसी प्रकार की मुझे इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि गलत लड़के के साथ मेरा संगत पकड़ा गया था, जो कि उन लोगों के साथ मेरा जो है मतलब कि समय ही उन बच्चे लोग के साथ ही मिलता था, दोस्तों के साथ ही मेरा समय बीत जाता था। जब घर पे आता था तो गाली सुनता था, डांट सुनता था, मार पड़ती थी, मुझे उस चीज़ से बहुत कष्ट होती थी कि इससे हम कैसे दूर हो गए। तब जाकर के वो कहते हैं ना कि पूर्व जन्मों का जो है संस्कार रहता है वो गुरु कृपा का है, तो पूर्व जन्मों का हमारा संस्कार था तो हम गुरु अपने शरण में खींच लिए, और जा करके हमारा जो है कि आज मैं आप लोग के सामने जो है आज कुछ शब्द बोल पा रहा हूँ, आज गुरु का ही कृपा है, गुरु का ही आशीर्वाद है कि मैं आप लोग के समक्ष कुछ बोल पा रहा हूँ। अगले वीडियो में आप लोग को मैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, वो सब गुरु कृपा ही है। गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता है, वैदिक मंत्र वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है,
आपको वैदिक साहित्य से लेकर के भौतिक पुस्तकें भी पढ़ाई जाती हैं और गुरुकुल आपका जो है संपूर्ण सहयोग करता है। जितना आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल की तरफ मान लीजिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आपको गुरुकुल हर तरह से सहयोग करता है, आश्रम सहयोग करता है और गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, किसी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाता है परिवार से। आपका वस्त्र से लेकर के पुस्तक पढ़ने का, खाने पीने का, ओढ़ने बैठने का, वेट से लेकर के चप्पल जूता, आज ठंडी का समय है, ठंडी के वस्त्र जो जितने वस्त्र हैं, जूता मोजा से लेकर के सब चीज गुरुकुल आपको देती है। ये जितनी भी जानकारी है भाई, बहुत अद्भुत जानकारी है। तो गुरुकुल में ना ही केवल इंसान को शिक्षा मिल रही है बल्कि ज्ञान मिल रहा है, इंसान के जीवन को व्यवस्थित करने के संपूर्ण तरीके एक विद्यार्थी को सिखाए जाते हैं। वहाँ एक विद्यार्थी पूर्ण योग्य बन के ही निकलता है। इसीलिए अगर अब तो गुरुकुल शेष हमारे भारत में तो बहुत कम ही शेष हैं, लेकिन जितने भी हैं, जितने भी योग्य गुरुओं के सानिध्य में हैं, उनमें से एक सद्गुरु सदाफल देव जी का आश्रम भी है और बहुत अद्भुत है। और जिन भी भाइयों को इससे अधिक इससे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको। जय श्री राम।